नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव पांच चरणों में होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बुधवार को कहा कि मतदान प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होगी और परिणाम की घोषणा दीपावली से पहले 8 नवंबर को होगी। 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान 12 अक्टूबर, दूसरे चरण का 16 अक्टूबर, तीसरे चरण का 28 अक्टूबर, चौथे चरण का 1 नवंबर तथा पांचवें चरण का मतदान 5 नवंबर को होगा। राज्य के 38 में से 29 जिले नक्सल प्रभावित हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू को 115 और भाजपा को 91 सीटें मिली थी। तब दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों ही दल आमने सामने हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर बुधवार को 6% बढ़ाकर 119% कर दी है। इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता गत 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। काले धन पर नरम नहीं पड़ी है सरकार, कहा अरुण जेटली ने। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न सिर्फ विदेशों में पड़े काले धन को बल्कि घरेलू काले धन को भी बैंकिंग तंत्र में लाने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर नरम नहीं पड़ी है। जेटली ने इंडिया इकोनॉमी शिखर सम्मेलन में कहा कि काले धन पर सरकार नरम नहीं पड़ी है और यह किसी भी देश का मौलिक अधिकार है कि वह काले धन को बैंकिंग तंत्र में लाए। उन्होंने कहा कि घरेलू काले धन को निकालना बहुत सरल काम नहीं है। यमन में हवाई हमला, सभी भारतीय सुरक्षित। यमन और सोमालिया के बीच नौकाओं को हवाई बमबारी का निशाना बनाए जाने के बाद उनमें सवार 20 सदस्यीय भारतीय चालक दल के कम से कम 7 सदस्य लापता बताए जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस आशय की जानकारी दी। यमन के हुदीदाह बंदरगाह पर सऊदी अरब नीत बलों के हवाई हमलों में 20 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबरों का प्रतिरोध करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि 13 भारतीय जीवित हैं और 7 लापता बताए जा रहे हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।